हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वैकेंसी है ये चेक रिपब्लिक का है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है ये पेमेंट आफ्टर वीज़ा है, ठीक है। ये जो जॉब है ये पेमेंट आफ्टर वीज़ा है और कंट्री का नाम है चेक रिपब्लिक। काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं कंट्री का नाम, ठीक है। तो मे भी कुछ लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम ये नाम सुन रहे होंगे। ये जो कंट्री है ये यूरोप कंट्री में आता है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है, ठीक है, जहाँ काम करना है उसका मैं वीडियो दे दे रहा हूँ, पहले वो देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने देखा होगा। ये जो काम है ये ऑटोमोबाइल का हेल्पर का काम है, जहाँ मतलब कार वगैरह जो होते हैं, गाड़ियों का सामान वगैरह बनता है, ठीक है। तो वहाँ हेल्पर का काम करना है, ठीक है। और सैलरी क्या है इसका बता देता हूँ। सैलरी इसका जो होगा 90,000 से लेकर कर 1,08,000 तक का सैलरी होगा। 8 घंटे का ड्यूटी होगा, ठीक है। ड्यूटी आवर 8 घंटे का होगा और रहने का, खाने का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, एकोमोडेशन जो है सारा कंपनी की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और एज लिमिट बताता हूँ। एज लिमिट इसमें 21 साल से लेकर 40 साल तक का इसमें अप्लाई कर सकते हैं और दोनों तरह का पासपोर्ट एक्सेप्टेड है, ठीक है। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा देख लो, कॉल कीजिएगा, आपको सारा जानकारी दे दिया जाएगा, ठीक है। और बताना चाहूँगा कि जो भी डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं ना वो स्कैन किया हुआ होना चाहिए पीडीएफ फाइल में, ठीक है। मोबाइल से स्कैन करके नहीं चलेगा और मोबाइल से फोटो लेकर कर भी नहीं एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। तो जो भी फाइल होना चाहिए नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यूरोप कंट्री का जो पेपर वर्क होता है काफ़ी क्लियर होता है वो, ठीक है। तो और इसमें आई थिंक सारा कुछ बता दिया हूँ, अगर कुछ छूटा हो तो नंबर दिया हुआ है, कॉल करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और प्लीज इंटरेस्टेड जो होंगे वही कॉल कीजिएगा, ठीक है। और ठीक, और चैनल पर जो नए आए होंगे ना, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला जो वीडियो होगा, जो वैकेंसी होगा वो आप तक पहुंचेगा। क्योंकि पुराना वीडियो देख कर कर अगर कॉल कीजिएगा तो सर जो वैकेंसी होता है लंबे टाइम तक नहीं रहता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए अलविदा चाहूंगा, जल्द मिलूंगा नए वीडियो नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए बाय।